हेलो जी, अब मैंने आराम से कहा करना क्योंकि सोच रहा तो मुझे नफरत हो गई है। तो अब हम आराम से ही अपना व्लॉग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हम करते हैं शुरू। आज हम व्यूअर्स बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सब्जी। आज हम देसी घी के तड़के के साथ बनाएंगे। ये देखें, मेरा असिस्टेंट जो है शाहजेब साहब, वो उन्होंने प्याज छीलना शुरू कर दिया, काटना भी शुरू कर दिया, मेरे पूछे बिना ही शुरू कर दिया है कि कितना डालना है। छुरी हाथ में आ जाए ना तो बस मेरे, ओ भाई मेरे पूछ लो भाई कितने प्याज डालने हैं, कितने डालने हैं, शुरू ही कर दिया यार, इतना काला तू यार, एक साइड में कर देगा हद होगी यार। तो व्यूअर्स आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर दबाएं। आने वाले व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है, हमारी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जहां हमारी गलतियां हैं वहां पे हमें वो पॉइंट भी करें कि यहां पे आपकी गलती है, यहां हमारी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, यहां हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उस चीज़ को बेहतर कर सकें। तो आज की रेसिपी अभी हम शुरू करते हैं। अभी हम सामान वगैरह में ले आए थे आते हुए ऑफिस से, तो अभी हम बनाएंगे शिमला मिर्च, साथ साथ आपसे बात भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कैसे तैयार करनी, फटाफट कैसे तैयार हो जाती है। और आज स्पेशल जो है हम इसमें देसी घी डालेंगे, देसी घी के साथ साथ हम मलाई भी डालेंगे इसमें। बहुत ही मजे की बनेगी, बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट तैयार होने वाली है। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। शाहजेब भाई अकेले लगे हुए, मैं भी उनके साथ लगता हूँ। तो मैंने जो पहले से ही अदरक जो है छील के रखा था, अभी मैं जो है ये जो लहसुन है इसको छीलूंगा। और शाहजेब भाई घी ठीक है, शिमला मिर्च कैसी लगती है आपको, मजे की लगती है? लगती है, अच्छी बनती है इसकी, वो जो जायका होता है ना, वो जो बिरयानी में डलती है ना, वो क्या कहते हैं ये फ्राइड राइस में डलती है, उसमें बड़ा मजेदार लगती है। आज हम भी बहुत मजेदार सी बनाएंगे इसको, बारीक बारीक अच्छी तरह काट के धो के, अपने खाने का अपना ही मजा है, खुद जो बनाता है ना बंदा। कल हमने कढ़ाई बनाई थी, बहुत ही मजे की बनी थी, तो आज मेरा दिल किया चलो कल हमने चिकन खा लिया था, किसी दिन हम शरीफ भाई बीफ वगैरह या मटन लेके आएंगे, वो भी बनाएंगे। अभी हमारा एक चैलेंज रहता है, वो तो भाई बंदे मुहार हो गए थे, वो बंदे मुहार हो गए थे, मेरा दिल कर रहा है कि आज या कल में ना इंशाल्लाह हम वो पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उनसे पूछ लेना, ये अभी आ जाते हैं ना, दूसरे भाई का तो छोड़ा हुआ है ना सारा कुछ, तो किसके भाई का मना किया, ओए होए, तो फिर कैसे पूरा करेंगे वो चैलेंज हमारा, वो फिर आप दोनों कर लो, अब मैं और वो कर आप और भी है शदीब भाई आपके साथ ना करवाने, नहीं नहीं मैं ही ले लूंगा, यहां पर भूख ना करा दिए, जो वो कर जाएगा वो अपना पीस उठा लेगा, अपना वो ले जाएगा पिज्जा, वो शुरू कर लेंगे, चलो ऐसे कर ले, ठीक है, जो कम आएगा वो पिज्जे के पैसे पे करेगा, वो नहीं जिसके हिस्से में कम आएगा, चलो वो फिर शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, आप कर लोगे मुकाबला मेरा? हाँ इंशाल्लाह, तेन पता तो है होना, बस छोड़ दे ऐसे भी जानदी करो यार, प्याज और रहा कटा के काट दूं, काट दे अब छिला हुआ है खराब हो जाएगा। आलू आलू इनके लिए तो कुछ लाया नहीं तू? लाता हूं प्लेट वगैरह कुछ मसाले से ले गया, टमाटरों के लिए यार, कोड़ा भी आलू केड़ा ला गया, ये कड़वा देसी भी आदा भाई, ये सही लग गया, ओहो फार्मी था मेरा तो करनी पड़ती है ना फिर, कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अच्छा खाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, टाइम तो देना पड़ता है भाई मेरे। तो मियां जी कितने आजकल? भाई तन पता तो है आजकल है हैं, भाई बिजी बंदा, कल मैं बुलाना रहया थी और आया नहीं हैगा, अच्छा कॉल तो लगा वेगा ना भाई, तन पता है अभी बनना वाला है, तन पता तो है भाई, एक बुड्ढी देश की लगता है ना, वो की अबू बनना वाला ना भाई, हां ये तो है, सानू कितने पूछना भाई, एक सही मैं बुलाना रहया कोते बैठा दी गल है भाई, वो मजे की बारिश हो गई है स्टार्ट, तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके बाहर से, बाहर का व्यू मौसम बहुत जबरदस्त हो गया, ऐसे नजर भी नहीं ना आएगा, छत पे नजर आएगा ना, क्योंकि यहाँ से भी आता है वो, इधर थोड़ी बाल नहीं नहीं आती है यार, अच्छी बड़ी बारिश आती है, वो सेन में जाके देखो तो पौधों के ऊपर कितना, हाय चंगी आऊं
वैसे मौसम अच्छा हो गया ना, अल्लाह ताला ने खास रहमत रहमत भी कह सकते हैं। अब गन्ना वगैरह कटी हुई होगी या निकली नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब सारी निकल गई है। हाँ वैसे एक दो दिन में कटाई का था वो, मेरे ख्याल में हर जगह जहाँ जहाँ हमने देखा है वो सारे करके बैठे थे अपना। इसके लिए कुछ कार्ड इसके लिए लेके आओ, वो भी ले आना क्या पेस्ट बनाने के लिए जो तो भी वो मिलते हैं आप कुछ देर के बाद। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो भाई जो मौसम है बहुत ही मजे का हो गया है। आज लाहौर का मौसम बहुत मजे का है। सुबह से ही जो है बादल आए हुए थे तकरीबन, तो शाम के टाइम तो गहरे काले बादल आए। तो अभी जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो एकदम इतनी जबरदस्त जो है अल्लाह माफ करे बिजली कड़की है कि मुझे लगा कि शायद कहीं गिरी है, तो मैं डर गया था एकदम। पैदल था, रास्ते में था, तो ऐसा लगा जैसे अभी गिरी। और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम अच्छा हो गया लाहौर का, काफी अल्लाह ताला की रहमत हो गई है। मतलब मई के महीने में और ये देखें मार्चें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेदर जो है काफी चेंज हो रहा है। बस ठीक है, इतने इतने लेकिन कुकिंग अच्छी कर लेते हैं। मैं भी इतना अच्छा शेफ नहीं हूँ लेकिन बना लेते हैं हर चीज अच्छी, अपने बाइट से जो है वो बहुत बेहतर बेहतर है, बना लेते हैं अपने खाने के लिए। ये वाले बहलातों ने हमें अच्छे से सिखाया, सब कुछ सिखा दिया। जितनी देर से मैं बाहर हूँ तो इतना तो आ ही गया है, कपड़े भी खुद धो लेते हैं, सालन भी बना लेते हैं, सब कुछ ही खुद कर लेते हैं अल्लाह ताला ने। वो कहते हैं ना कि जब बंदे के सर पे पड़ती है ना तो सब कुछ ही आ जाता है। पंजाबी जी नहीं कहते गल पे ढोल बजाने ही पैंदा। हां जी यही बात है शदीप भी, आप भी सियाने हो गए हो मेरे साथ रह गए ना। पहले तुम ही ना बस उसमें डालेंगे घी, देसी घी हमने ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमने अपने हिसाब से जो है वो तकरीबन एक कप जो है वो देसी घी ऐड कर दिया है इसमें। तो जैसे ही देसी घी जो है वो गर्म हो जाए तो हम इसमें जो है जो हमने प्याज बारीक कटी हुई काटी थी तकरीबन 2 से 3 वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी जो है वो देसी घी हमारा जो हमने डाला है वो गर्म हो रहा है, जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो है वो प्याज ऐड करेंगे। आप भी घर पे बनाए हैं, बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ी देर में ऑयल जो है घी जो है हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज हमने बारीक काट के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। हाँ जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने बारीक 2 से 3 काट के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का इसकी खुशबू आ रही है देसी घी की, और देसी घी तो देसी घी है आपको पता है, जैसे कि एक क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनिक चीज़ है। प्याज जो है हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद तो जैसे ही लाइट ब्राउन होगा फिर बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें कि लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर वगैरह जो हमने तो व्यूअर्स अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। हमने जो है वो 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का, ब्लैक पेपर डालेंगे हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो। कलर के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली, धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे,
स्पाइसेस हमारे ऐड हो चुके हैं, अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो जब तक हम इसकी बनाई करते हैं उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया था कि स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए थे, हमारा जो पेस्ट है, जो ग्रेवी है, वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जो है आलू शिमला मिर्च ऐड कर देंगे भी। तो ये जो हमने आलू शिमला मिर्च काट के रखी थी हम ऐड कर दी हमने। अब इसको अच्छी तरह हम भुनेंगे, अच्छी तरह इसकी बनाई करेंगे। आप भी घर में ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है आलू शिमला मिर्च, जल्दी तैयार हो जाती है। सिर्फ जो है वो आलू जो है वो थोड़े से टाइम लेते हैं, बाकी शिमला मिर्च इतना टाइम नहीं लेती। ये तो वैसे भी इंसान वो जो है कच्ची भी खाई जाती है सलाद के तौर पे, उसमें भी इस्तेमाल हो जाती है, हमारे सैलड वगैरह में भी, और जो चाइनीज़ राइस है उसमें भी। इसको ज़्यादा पकाते नहीं है, बस हल्का सा वो बॉइल हल्का सा वो फ्राई करते हैं। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने घर में ट्राई करें, देसी घी में वैसे और भी ज़्यादा इसका टेस्ट निकलता है, क्योंकि देसी घी तो फिर देसी है ना। क्यों जी शाजे भाई, देसी अपना ही मज़ा है, समझ में खुशबू भी अच्छी आ रही है ना, टेस्ट भी आ रहा है ना खुशबू। हाँ स्पाइसी है या नहीं है? फ्रेम को हम थोड़ा तेज कर लें, मुझे लगता है गैस भी पुश होने वाली है हमारी। कोई नहीं, सिलेंडर बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है ना, बड़ा शुक्र है। लाइट जो है व्यूअर्स हमारी आज गई हुई है, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी हमारी आज ब्लैक होगी, लाइट का इंतज़ाम नहीं है। आ जाए तो अभी आ जाए, वैसे अनएक्सपेक्टेड सी गई है तो बारिश की वजह से, बारिश की वजह से। हाँ बारिश, वो बहुत तेज़ बारिश हुई है ना अभी, हवा अभी तेज है, अभी तो मेरे ख्याल में बारिश थम गई है ना, रुक गई है बारिश कि नहीं? नहीं हो रही है, पहले देर से बल्कि होगी। अच्छा, होए 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 होए, क्या हाय मजे, हाय हाय मजे, आज तो मजे आएंगे मियां जी, है मियां जी। कल मियां बड़ी मजे बनी थी कढ़ाई, मैं तो आके मैं दोनों ने बैठ गया ना, अभी 10 रोटी खा ली। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मैं ना खा सका, मैं बिरयानी खा गया। मजे का खाना भाई, अपने हाथ से साफ सुथरा बाहर से लेके बना के अच्छी तरह काट के इसको धो के आप बाहर का खा के, पता नहीं क्या खिला दिया आपको उन्होंने, मास्टर ब्लास्टर मलाई बोटी वाली मोहन ने मुर्गी आहो ताता ही मरी होवे, कहने का मकसद है कि ताता होनी होनी मरी है। वो अच्छी इसलिए है ना, उसमें मलाई बोटी डाली हुई थी, और वो बकास की बिरयानी नहीं है, उनका पुलाव है। नाम तो है वो विकास बिरयानी, लेकिन है वो पुलाव है, बस नाम चला है उनका, और क्या नाम की तो है ना। कलर चेक करो जरा शदीप भाई, बारिश रुकी है, दुआ करें हम लाइट आ जाए और हमारी वीडियो थोड़ी सी अच्छी बन जाए, अच्छी इसकी हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो जाए। व्यूअर्स हमारी लाइट भी आ चुकी है,
और पानी भी हमारा खुश्क होने वाला है। तकरीबन आलू भी हमारे 80% जो है गल चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में तकरीबन हमारा साधन जो है वो रेडी हो जाएगा, हमारी रेसिपी जो है रेडी हो जाएगी। तो फाइनल लुक आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी हमने इसमें मलाई भी ऐड करनी है, वो एंड पे डालेंगे जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल छतनी अपनी ऑयल छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें मलाई ऐड करके भूनेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं जैसे ही पानी खुश्क होगा। तो व्यूअर्स, हमारी जो सब्ज़ी है आज तैयार हो चुकी है, हमने डिश आउट कर ली है, अभी हम टेस्ट करने लगे हैं। तो लाइट जो है फिर चली गई है क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, साथ में तेज़ हवा भी चल रही है जिसकी वजह से लाइट बार बार आ जा रही है। तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसी है। तो मैं टेस्ट करता हूँ रोटी, व्यूअर्स हम बाहर से लेके आते हैं, घर पे भी बनाएंगे किस दिन, आपको रोटी भी बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा ही आ गया यार। तो व्यूअर्स आप भी अपने घर पे ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनी है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।